हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। मार्केट की अगर हम देखें तो आज के दिन में मार्केट लास्ट ड्यूरिंग द डे तो कुछ नहीं, अच्छी खासी मार्केट चल रही थी, एक कंसोलिडेशन मोड में कह सकते हैं या फिर थोड़ी ऊपर ही थी। बट एक साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 594 से लगभग 1.3%, लगभग 235% ये मार्केट डाउन होती हुई दिखाई दी। क्या रीजन है उसके रिलेटेड हम बातें करेंगे, एज वेल एज हमें करना क्या चाहिए उससे रिलेटेड बातें करेंगे, और निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप सबका एक बार व्यू देते हुए दिखाई देंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करो, जितना हो सके हमें सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल यहाँ पर और भी ज्यादा ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। और हम यहाँ पर वीडियोज को जाके देखिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और दूसरी वीडियोज को भी जाके देखें। यहाँ पर अच्छे चार्ट पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छे रिटर्न यहाँ पर आपको फ्यूचर में मिलते हुए नजर आएंगे। तो वीडियो में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो परसों के दिन में यहाँ पर वीडियो बनाई थी कि अगर इस लेवल से ये मार्केट नीचे गिरी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ये लेवल टूटती जात मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हो सकती है। उसी लेवल की बात करेंगे, उसी क्योंकि उसी लेवल पर दोबारा स्टॉक्स उसी लेवल पर मार्केट आके स्टैंड करती हुई नजर आई है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए निफ्टी 50, यहाँ पर आपके पास पता ही है निफ्टी 50 स्टॉक से बनी हुई होती है। तो यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट ऑलरेडी आज के दिन में यहाँ पर 235 पॉइंट की जो 1.3% की गिरावट हुई है, ये कोई ऐसे ही नहीं हो गई है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन। और अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर 12:30 से 1:30 बजे के बीच में मार्केट भी खुलती है, यूरोपियन मार्केट। ओके, और यूरोपियन मार्केट की अगर हम बात करें, वहां पर जब मार्केट खुलती है तो उधर से भी यहाँ पर पता चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है FIIs DIIs का यहाँ पर पैसा बहुत ज्यादा लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, कल मैंने एक डेटा देखा था, शॉकिंग डेटा था, मैं इसे समझ नहीं पाया क्या डेटा था। तो ये देखिए FIIs DIIs, ये कल का डेटा है। यहाँ पर 23 नवंबर को यहाँ पर FIIs ने 4477 रुपीज का यहाँ पर माल निकाला है, और यहाँ पर DIIs ने 1412 रुपीज का माल खरीदा है। स्टिल यहाँ पर मार्केट में, यहाँ पर हम कल की डेट में देखते हैं तो एक अच्छी खासी जंप हमें दिखाई दी थी। यहाँ पर अगर हम एक कैंडल देख लेते हैं तो आपको पता चलेगी निफ्टी 50 की, यहाँ पर निफ्टी 50 निकाल लेते हैं तो आपको पता चलेगी, यहाँ पर देखिए कल की डेट में एक गिरावट के बाद अच्छी खासी यहाँ पर रिकवरी होती हुई दिखाई दी। बट स्टिल मार्केट से इतना ज्यादा माल निकाला गया था FIIs के थ्रू, जो कि अभी पूरे, अगर मैं यहाँ पर पूरे उसकी बात करता हूँ पूरे महीने की, तो इतनी ज्यादा सेल ऑफ यहाँ पर होती हुई दिखाई नहीं थी। यहाँ पर देखिए कभी भी यहाँ पर 200 करोड़, 400 करोड़, 300, 250, 2500, 1600 करोड़, 4000 करोड़ के आसपास, 3400, और अभी की बात करें इतने ज्यादा यहाँ पर माल निकालता हुआ दिखाई दे गया था। बट FIIs इसके DIIs इसके अगेंस्ट में यहाँ पर बाइंग कर रहे थे, जो कि एक अच्छी बात है, ऑब्वियसली बात है कोई बेचेगा तो कोई खरीदेगा भी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, अच्छा खासा माल यहाँ पर बेचा गया था और फिर भी यहाँ पर मार्केट हमारी भागती हुई दिखाई दी थी, मुझे कुछ फिशी लग ही रहा था। और आज वो फिशीनेस यहाँ पर दिखाई भी थी, यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा लगभग 88 पॉइंट यहाँ पर ऊपर जाके मार्केट यहाँ पर नीचे गिरती हुई दिखाई दी है। एक ये भी रीजन है FIIs यहाँ पर माल निकाल रहे हैं। दूसरा रीजन की बात करें तो दूसरा रीजन है लॉकडाउन से रिलेटेड। लॉकडाउन से रिलेटेड बहुत सारी यहाँ पर न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पर देखेंगे अभी भी यहाँ पर दो फ्यूचर्स यहाँ पर देखिए 125 पॉइंट से यहाँ पर नीचे, S&P फ्यूचर की बात करें 13 पॉइंट्स, और नैसडेक की बात करें वो भी यहाँ पर 57 पॉइंट से यहाँ पर नीचे चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये चीजें यहाँ पर नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। बट डो जोन्स की बात करें नॉर्मल, तो कल की डेट में यहाँ पर पॉजिटिव वे में बंद हुई थी, बट यहाँ पर कुछ न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है। क्या वो क्यों आ रही है, यहाँ पर देखते हैं। देखिए जर्मनी का अगर कोविड का ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पर टॉप पर ये केसेस पहुंचे हुए हैं कल की डेट है। ओके, यहाँ पर जैसे इंडिया में सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर देखे तो यहाँ पर ये चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया में यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडिया का यहाँ पर बिल्कुल ही नीचे नेगेटिव की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव साइन है एटलीस्ट इंडिया के लिए। अगर ये भी नीचे की तरफ रहेगा तो यहाँ पर इकोनॉमी चलती रहेगी, एटलीस्ट यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगेगा, और लॉकडाउन नहीं लगेगा तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा रहेगा, हम काम कर पाएंगे हम सभी लोग। और फिर जब हम काम कर पाएंगे तो सूनर और लेटर जब वर्ल्ड वाइड सब कुछ यहाँ पर ओपन होना ही है तो यहाँ पर सब चीज नजर आएगी। अब यहाँ पर हम देखें कुछ चीजें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, देखिए नीदरलैंड, यूरोप की जो कंट्री है या सेंट्रल एशिया है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी कंट्रीज है वेस्टर्न कंट्रीज, दे आर ट्राइंग टू बी सो स्मार्ट। ओके,
वो ज्यादा ही अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। ओके, बट स्मार्टनेस इसके रीजन से नहीं होनी चाहिए कि आप कितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ओके, कितने ज्यादा इलाइट है या कितने ज्यादा यहाँ पर आप एजुकेटेड है। देखिए, इंडिया में इतनी साक्षरता नहीं है, ओके, इंडिया इज नॉट सो मच एजुकेटेड लाइक अ वेस्टर्न कंट्री, बट स्टिल यहाँ पर लोग यहाँ पर वैक्सीनेटेड है। बट यहाँ पर बात करें नीदरलैंड की, यहाँ बात करें जर्मनी की, यहाँ पर लोग वैक्सीन ही नहीं लगवा रहे। ओके, दिस इज द रीजन कि यहाँ पर जो ग्राफ है ऊपर की तरफ यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा समझना होगा लोगों को भी। ओके, इंडिया में भी कुछ लोगों ने बीच में यहाँ पर पॉलिटिशियंस ने यहाँ पर करते हुए दिखाई दिए थे ये चीज, बट ठीक है, इंडिया में ने यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर वैक्सीन ऑलरेडी लगा लिया है, सबने दो डोज भी ले लिया है, कईयों ने एक डोज ले लिया, और बहुत जल्दी यहाँ पर पूरे इंडिया में डोज लग जाएगी 2022 के अंदर अंदर एज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर बात करते हैं जर्मनी की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जर्मनी में यहाँ पर लॉकडाउन लगता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो जर्मनी कंसीडर टू फुल कोविड लॉकडाउन एंड मैंडेटरी वैक्सीन। तो यहाँ पर मैंडेटरी वैक्सीन कर दिया है इन्होंने अब जाके, और इसके अलावा यहाँ पर कोविड लॉकडाउन, और आपको पता ही है सर्दी जैसे जैसे आती है वैसे वैसे यहाँ पर केसेस भी बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा नीदरलैंड इम्पोज मैंडेटरी सोशल डिस्टेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें क्रिश्चियंस का, यहाँ पर त्यौहार आ रहा है, ओके, फेस्टिवल आ रहा है थैंक्स गिविंग, जो कि थर्सडे से यहाँ पर चालू होता है। आपको पता ही है पूरा वीकेंड थर्सडे से लेकर संडे तक 4 डेज का यहाँ पर ऑफ ऑफ भी रहेगा, और यहाँ पर गैदरिंग होती है थैंक्स गिविंग में, एक दूसरे को बुलाते हैं, थैंक्स गिविंग देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रिसमस भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पर केसेस कम होते हुए दिखाई देंगे अगर लॉकडाउन और ये सब कुछ मैंडेटरी कर दिया जाए। एट दैट मोमेंट यहाँ पर केसेस हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर केसेस भी बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से इंडिया को भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ पर देखे तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज यूरोप एंड सेंट्रल एशिया कुड सफर अनदर 700 कोविड डेथ बाय स्प्रिंग एज इन्फेक्टेड सोन। यहाँ पर अगर बात करें ये कोविड के केसेस की वजह से दोबारा यहाँ पर ये इतने लोग यहाँ पर जान से जा सकती है लोगों की। यहाँ पर इसी तरीके की यहाँ पर गाइडलाइन और ये सब कुछ बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप भी प्रिकॉशंस ले। बाकी मार्केट की बात करें तो मार्केट में यहाँ पर गिरावट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से, ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ FIIs यहाँ पर पैसा निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर व्यू की बात करें तो देखिए, यहाँ पर लास्ट टाइम हमने यहाँ पर देखा था तो इसी रेंज में आके यहाँ पर मार्केट बंद हुई थी। आज भी देखे तो यही सपोर्ट, नीचे जाके इसी सपोर्ट को लेके मार्केट ऊपर गई, इसी सपोर्ट को यहाँ पर इसने लिया है। अगर कल की डेट में, मैं अगेन बता रहा हूँ कि अगर मार्केट में इसी तरीके से सेल आउट होता रहा, इसी तरीके से माल बिकता रहा, FIIs इसी तरीके से बेचते रहे, एज वेल एज इस लेवल को यहाँ पर टूटा, तो याद रखिएगा पहला लेवल ये है जो कि यहाँ पर लास्ट यहाँ पर इसने बनाया है। अगर यहाँ पर ये भी टूटता हुआ नजर आया, फिर यहाँ पर इसके लिए भी तैयार रहिएगा, और फिर इसके लिए भी तैयार रहिएगा जो ये यहाँ पर बनता हुआ नजर आया 15,964, लगभग 16,000 का यहाँ पर दायरा है, यहाँ पर भी ये टच कर सकता है। तो इससे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न बन रहा है इसमें इसी तरीके से चल के यहाँ पर नीचे की तरफ चीजें आ सकती है, तो थोड़ा यहाँ पर प्रिकॉशन दीजिएगा। इसके अलावा बात करें यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 की, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 भी इसी तरीके का यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें भी आज की डेट में ऊपर जाके यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट, 232 पॉइंट की गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसके इधर भी यहाँ पर एक कंसोलिडेशन, बट यहाँ पर ऐसा कुछ एज यहाँ पर भी अगर बात करें इसी तरीके का चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें भी यहाँ पर अगर ये लेवल ये टूटते हुए नजर आते हैं तो सपोर्ट यही लगेंगे, पहला सपोर्ट ये, और दूसरे सपोर्ट की बात करें ये मतलब अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर भी हो सकती है। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो निफ्टी मिड कैप में भी इसी तरीके, निफ्टी मिड कैप 100 अगर हम लेते हैं तो आज की डेट में यहाँ पर भी 122 पॉइंट की गिरावट है, और लास्ट टाइम मैंने आपको बता ही दिया था यहाँ पर भी इसी तरीके का चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये गिरता हुआ नजर आता है तो फिर यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट आ सकती है 3,000 पॉइंट की, जो कि यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग पाइवट्स पॉइंट है, देखते हैं कल की डेट में मार्केट कैसे यहाँ पर रिएक्ट करती है। ड्यूरिंग द डे ही यहाँ पर न्यूज आ गई थी, और ड्यूरिंग द डे ही यहाँ पर न्यूज आने के बाद कि ये आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट, अगर मार्केट बंद नहीं होती तो शायद ये गिरावट और ज्यादा गहरा सकती थी और मार्केट और भी ज्यादा नीचे आ सकता था। तो ये एक साइकिल, ये बहुत बड़ा लेवल यहाँ पर नजर आता है, इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप की 100 में हम देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्टरी में ही बंद हुई है। यहाँ पर एज सच ऐसा कोई यहाँ पर चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा है, बट स्टिल यहाँ पर अगर जब सब जगह गिरावट होगी तो ऑब्वियसली बात है स्मॉल कैप भी यहाँ पर ठहर नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर भी गिरावट होगी, और जब यहाँ पर भी गिरावट होगी तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो यही है, यहाँ पर अगर ये गिरावट हुई तो 500 पॉइंट की ये गिरावट हो सकती है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ पर अगर और भी ज्यादा गिरावट हुई तो इसके यहाँ पर ही समझिएगा 9,500 के आसपास यहाँ जाके ये चीजें रुकेंगी, फिर उसके बाद अच्छी खासी 200 DMA के आसपास आके चीजें
यहाँ पर ऊपर जाती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वहां पर बांधना शुरू करिए। ओके, अपॉर्चुनिटी अलग अलग स्टॉक्स में यहाँ पर मिलती रहेंगी और जैसे जैसे स्टॉक्स में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो अच्छा अच्छा पैसा आपका बनता रहेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें और भी चीज, तो निफ्टी बैंक यहाँ पर देखिए आज भी यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्टरी में बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है निफ्टी बैंक, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ज्यादा गिरता हुआ दिखाई देगा क्योंकि इधर एज सच ऐसा कोई चार्ट पैटर्न भी नहीं बन रहा है। हाँ, और इसने एक सपोर्ट भी ले लिया है, कौन सा, 30 से यहाँ पर RSI वाला सपोर्ट यहाँ पर लेता हुआ नजर आ रहा है। नीचे से एक बेहतर सपोर्ट यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है, 100-150 पॉइंट की जब सब चीज गिरेगी ये भी गिरता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा बहुत ये भी गिर सकता है, बट यहाँ पर ऊपर की तरफ बहुत सारा पोटेंशियल नजर आता है। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक में ऐसा कोई बिक वाली नहीं आती हुई दिखाई दे रही। इसके अलावा निफ्टी मेटल की बात करें तो जैसे कि जर्मनी और यहाँ पर यूरोप की कंट्रीज में ये लॉकडाउन लग रहा था, जब यहाँ पर लॉकडाउन लगेगा तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मेटल यूरोप से ही, यूरोप वगैरह में ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अगर बात करें यहाँ पर थोड़ा प्रेशर हो सकता है और यहाँ पर थोड़ी सी चीजें कंसोलिडेट हो सकती है या थोड़ी बहुत जो यहाँ पर गिरावट हुई है वही गिरावट यहाँ पर सस्टेन करके यहाँ पर रह सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करें लेवल की तो यही लेवल नजर आता है। देखिए पहले भी यहाँ पर क्लोज हुआ था, यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर क्लोज हुआ था, तो यहाँ तक ये मार्केट ये थोड़ा सा 300-400 पॉइंट्स यहाँ पर गिर सकता है क्योंकि सब गिरेंगे तो ऐसी बात है ये भी गिरता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा हम बात करें निफ्टी ऑटो की तो निफ्टी ऑटो में प्रेशर रह सकता है। क्यों? क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर टाटा मोटर्स की बात करें वो भी गिरता हुआ नजर आया, मदरसन सोमी गिरता हुआ नजर आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूरोप से उनका काम ज्यादा होता हुआ नजर आता है, यूरोप में यहाँ पर उनकी सेल ज्यादा होती हुई नजर आती है, यूरोप में उनका मार्केट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर जब लॉकडाउन लगेगा तो ऑब्वियसली बात है उनकी सेल और गिरती हुई नजर आएगी, ऑब्वियसली पहले से ही वो नेगेटिव यहाँ पर रिटर्न देते नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं तो यहाँ पर और भी ज्यादा यहाँ पर उनपे गिरावट आती हुई दिखाई देगी। इन दैट केस बेहतरीन जो शेयर है वो यहाँ पर अच्छे लेवल पर आपको मिलते हुए नजर आएंगे, तो उन शेयरों की तरफ नजरें बनाइएगा और थोड़ी बहुत गिरावट के बाद जब चीजें ठीक होंगी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर और भी अच्छे खासे लेवल पर आपको ये चीजें खरीदने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बात करते हैं और भी चीज की, तो निफ्टी आईटी की बात करें तो निफ्टी आईटी और FMCG एक सेफ बेट हो सकता है, बट स्टिल यहाँ पर देखें तो आज की डेट में लगभग 538 पॉइंट गिरावट हुई है। सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा 600-700 पॉइंट यहाँ पर चीजें गिर सकती है और कंसोलिडेट कर सकती है, तो इस चीज की तरफ ध्यान दीजिएगा। और एज वेल एज यहाँ पर अच्छे खासे लेवल पे एक बार यहाँ पर इसने ऊपर लेवल पर ये जाते हुए दिखाई दिया, उसके बाद से यहाँ पर ये सस्टेन हो नहीं पाए हैं, नीचे आती हुई चीजें दिखाई दे रही है। तो या तो कंसोलिडेशन मोड पे या और जैसे जैसे लॉकडाउन लगे तो ऑब्वियसली बात है आईटी चीजें यहाँ पर चलती हुई दिखाई देगी। तो एज सच यहाँ पर आईटी पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि चीजें यहाँ पर घर से काम हो रहा है, आईटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आईटी की चीजें फिर यहाँ पर भागती हुई दिखाई देंगी। बट जो ज्यादा भाग चुकी है ओके वहां पर नहीं जाओ, जिसके रिजल्ट अच्छे खासे आए हैं वहां की तरफ थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। इसके अलावा हम बात करें निफ्टी FMCG की तो FMCG यहाँ पर सेक्टर सबसे बेहतरीन सेक्टर बताया जाता है। यहाँ पर आज के दिन में 381 पॉइंट की गिरावट है नो डाउट, बट जब यहाँ पर खाने पीने की चीजें बंद होती हुई नहीं दिखाई देंगी ओके खाना पीना फिर भी चलता रहेगा, तो इसलिए FMCG की तरफ यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, केमिकल स्टॉक्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं। और गिरावट में यहाँ पर ट्रेवलिंग स्टॉक्स पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है, बट इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा, IRCTC और वगैरह की तरफ। तो ये चीजें आपको थोड़े से लेवल पर या कंसोलिडेशन फेज पे मिल सकती है। इसके अलावा इज माई ट्रिप यहाँ पर अपर सर्किट में चल ही रहा है आज, तो इस चीज किससे दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर हम देखें एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पर एक सपोर्ट था, इससे पहले यहाँ सपोर्ट था। FMCG मुझे ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज है, एक साथ भागता हुआ कभी भी दिखाई दे सकता है। यहाँ पर अगर देखें रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप में ही बनता हुआ नजर आ रहा है, तो बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है ऐसा कुछ लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पर इससे रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनानी चाहिए कि निफ्टी का व्यू क्या हो सकता है, यहाँ पर गिरावट आ सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ नेगेटिव न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए, थोड़ा सा पैसा प्रॉफिट जहाँ पर हो रहा है वहां पर बना के रखिए, और जब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखे, चीजें नीचे की तरफ दिखे, तो वहां पर धीरे बाय ऑन डिप्स करिएगा तो अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करिए, जितना हो सके सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।